मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा बिकॉज मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे हर जगह हर कोई ये शो देखता है चिड़ियाघर और लोगों को बहुत पसंद आता है। पिछले 4 साल से चल रहा है ये शो और लोगों को बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मेरा एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर जो है उन्होंने मुझे बताया है। सरप्राइज़ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इसके लिए आपको चिड़ियाघर देखना पड़ेगा। और कुछ एक नया अवतार चिड़ियाघर में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले तो जब मुझे ऑफर किया गया तो मैं खुद शॉक हो गई, ओ माय गॉड, मैं चिड़ियाघर में भी मैं क्या करूँगी। तो लेकिन मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई, जो मुझे कैरेक्टर मेरा बताया गया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं सेट पे हूँ, आज ही मेरा बढ़िया सा एक आइटम सॉन्ग परफॉर्मेंस मैंने दिया और उसके बाद चिड़ियाघर में मैं एंट्री करूँगी और धमाका होने वाला है। तो वो क्या धमाका होने वाला है वो आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने सुना है कि चिड़ियाघर में सब जितने भी सब कैरेक्टर्स हैं उन सब में एक एनिमल है, एक एक अलग टाइप का। तो इसमें मुझे फॉक्स, मेरा नाम इसमें ममता फॉक्स रखा है, तो मैं कहीं ना कहीं एक लोमड़ी का कैरेक्टर मेरे अंदर है और ऐसे भी मैं लोमड़ी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं गिरीश जी, तो इज़ वंडरफुल डायरेक्टर। और मुझे कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं फ़िल्म की शूटिंग नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अपनापन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया गया है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। पहली बार कि मैं टीवी में काम कर रही हूँ, सब लोग का बहुत प्यार सब मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे तो डांस तो होता ही है, तो आपको मेरे बहुत सारे डांस इसमें देखने भी मिलेंगे। साथ साथ में आपको मेरी बहुत ही अलग टाइप की एक्टिंग देखने मिलेगी। अच्छा, डांस तो देखने मिलेगा ही, साथ में हमने देखा कि आप ब्राइब लेते हुए भी दिखा नजर आ रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना? लोमड़ी हूँ ना मैं फॉक्स हूँ, तो चिड़ियाघर में मैं एक लोमड़ी की तरह ही एक एंट्री करती हूँ। मेरे अंदर जो कैरेक्टर है थोड़ा लालची है, तो वो पैसे पूरा एकदम बराबर गिनती में थोड़ा सा थूक लगा के गिनती है, तो कोई भी काम करने के पैसे लेती है। तो अमेजिंग कैरेक्टर है, आई लव इट। मुझे पहली बार टीवी में मैं काम कर रही हूँ और एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर मुझे मिला है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई एम श्योर के मेरी जितनी भी मेरे फैंस है, मेरी जनता है, वो मुझे चिड़ियाघर में देखेगी और वो जो इतने टाइम से मुझे मिस कर रहे थे वो मुझे मिस नहीं करेंगे और उनका पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। आज का जो शूटिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था इस टीम के साथ? मैं कल भी शूट कर रही थी, आज भी कर रही हूँ सेट पे, बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने बड़ा अच्छा एकदम नौटंकी का सेट बनाया हुआ है और मैं पूरी नौटंकी हूँ फिल्म में, पूरी मसाले वाली। तो वैसे तो आई लव मसाला चटपटा, तो आप देख सकते हैं कि क्या आपने राखी सावंत को बहू बनते हुए देखा? अगर राखी सावंत किसी फैमिली में बहू बनकर चली जाए तो भगवान ही बचाए, अब उन्हें या मुझे वो मुझे नहीं पता, वो आपको देखना पड़ेगा। जी मैं अभी फ़िलहाल चिड़ियाघर कर रही हूँ, मैं बहुत सारी फिल्में कर रही हूँ, मैं वीडियोस कर रही हूँ, मैं एल्बम्स कर रही हूँ, मैं आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ, पर अभी मेरा पूरा फोकस जो है चिड़ियाघर पे है। जानी जाती हूँ, देखिए मैं फुल पैकेज हूँ। अब मैं चिड़ियाघर में एंट्री मारी है तो इसमें खूब सारा डांस भी होगा और बहुत मज़ा आने वाला। और हाँ, मैंने देखा टीवी से लोग बड़े स्क्रीन पे जाते हैं, बड़े फिर वापस लौट के छोटी स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। मैं ये जानती हूँ कि मैं बड़ी स्क्रीन पे भी काम कर रही हूँ, टीवी पे भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत टीवी से करी है। बट तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो टीवी देखते हैं उनके फैंस ज़्यादा बन जाते हैं। अब सलमान, शाहरुख, आमिर को भी टीवी पे आना पड़ता है अपने फैंस बनाने के लिए, तो ऑफकोर्स जब वो लोग आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती। लोग तो अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं कि फिल्म आने के बाद टीवी पे आते हैं, मैं फिल्में भी आ रही है उसके पहले मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ।